नमस्ते खानों के शौकीन, आज हम लाए हैं आपके लिए ऐसी डिश जो लगभग सब लाइक करते हैं, जो चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, कभी भी खाया जा सकता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ मसाले डोसे की। तो चलिए बनाते हैं आज मसाला डोसा। लेट स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स। हेलो, इसके लिए चावल एक फुल ग्लास और एक पौना ग्लास, ऐसे आधे से थोड़ा ज़्यादा, और हाफ हाफ ग्लास उड़द दाल। ये डोसे के लिए है। ये डोसे का मसाला आलू की सब्जी जो उसके अंदर डालते हैं, इसके लिए 6-7 पोटैटो ऐसे बॉयल करके ऐसे थोड़े थोड़े तोड़ लिए, छोटे छोटे कर लिए, और एक टमाटर काटा हुआ, एक प्याज काटा हुआ, थोड़ा सा लहसुन, 6-7 लहसुन कलियाँ, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इसको हमने क्रश कर लिया ऐसे, और मसाले में जीरा, नमक, हल्दी, गर्म मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्ची, और डोसे के साथ खाने वाली चटनी, उसके लिए ये नारियल, हाफ नारियल ऐसे फ्रेश कोकोनट, और एक नींबू, आधा नींबू, नमक, 6-7 कली लहसुन, थोड़ी सी रोस्ट चना दाल और एक लाल मिर्च, और इसके लिए करी पत्ता, थोड़ी सी राई, एक हाफ स्पून राई, और 3-4 छोटे छोटे काटे हुए लाल मिर्च। चावल और दाल को पीस के हमने रात को भिगो दिया था उसको, अभी उसको मॉर्निंग उसको सॉरी वो दाल और चावल को हमने कल मॉर्निंग भिगो दिया था, रात को पीस लिया ऐसे, रात भर रख दिया उसको। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, एक छोटा स्पून स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका ऐसा पतला घोल ऐसे हमने बना लिया ऐसा, अब इसको अच्छे से ऐसे फेंट लेंगे हम, नमक इसके अंदर मिक्स हो जाएगा ऐसा, जैसे घोल चाहिए ऐसा, और इसको अब ढक के थोड़ी देर रख देंगे। हमने कोकोनट चना दाल और नमक मिर्ची सबको पीस लिया और ऐसी चटनी बना ली, इसके अंदर नींबू डाल दिया, नींबू का रस डाल दिया। अब इसको हम तड़का लगाएंगे। इसके लिए पैन में तेल डालेंगे, पैन हमने पहले से रख रखा है, ऐसे 2 छोटे स्पून डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अभी उसमें मस्टर्ड ऑयल भी, मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे ऐसे 1 स्पून। जो लाल मिर्ची है उसके छोटे छोटे टुकड़े काटे हुए तोड़े हुए हैं, उसको डाल देंगे। तल लीव्स ऐसे डाल देंगे इसके अंदर। एंड द चटनी इज रेडी फ्रेंड्स। अभी नाउ वी विल मूव टू द मसाला आलू सब्जी। अभी हम इसी पैन में सब्जी उसकी डोसे की डोसे का मसाला बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे आलू की। अभी छोटे 3 ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें 1 स्पून जीरा डालेंगे। जीरा चटकने के बाद इसके अंदर प्याज डालेंगे छोटा, 1 ओनियन डालेंगे। अभी हमारा प्याज है ब्राउन हो चुका है, अभी इसमें अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो हमने क्रश करके रखी हुई है इसके अंदर डालेंगे थोड़ा। अभी इसमें काटा हुआ टमाटर डाल देंगे और टमाटर को गलने तक पकाएंगे। अभी हमारा टमाटर ये गल चुका है, मसाला बन चुका है, अभी हम इसके अंदर जिन सूखे मसाले डाल देंगे, ड्राई मसाले, रेड चिली पाउडर 1/2 स्पून, छोटा 1/2 स्पून, 1 स्पून हल्दी पाउडर, नमक, हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमारा मसाला मिक्स हो चुका है, अभी थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, अच्छे से मसाला मिक्स हो जाएगा जो सूखा मसाला हमने डाला है। अभी इसमें काटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा, मिक्स करेंगे, और 6-7 उबले हुए आलू है, जो बॉयल्ड पोटैटो है हमने ऐसे थोड़े से प्रेस करके रखे, बड़े बड़े पीस है, ज़्यादा बड़े नहीं, अब इसके अंदर मिला देंगे। आलू में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, बट एक फन फैक्ट ये है कि पोटैटो इज़ द नेशनल फूड ऑफ आयरलैंड, और आयरलैंड में जैसे हम लोग पंजाब में नेशनल फूड पराठा मानते हैं, वैसे ही बेसिकली आयरलैंड में कोई भी अगर जश्न हो या कुछ भी फेस्टिविटी हो तो आलू इज़ अ मस्ट। सो तो आप आयरलैंड को ट्रिब्यूट दे और आलू ज़रूर खाएं। अभी हम इस सब्जी को, आलू को
दो तीन मिनट के लिए कवर करके ऐसे रख देंगे, पकाएंगे इसमें, सिम में पकाएंगे। अभी हम डोसे की डोसा बना रहे हैं। हमने तवे को गैस पे रख दिया है, तवा गर्म होने के बाद हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर। हमारा तवा जो गर्म हो चुका है, अभी इसके अंदर हम ये डोसे का बैटर जो इसमें चावल और उड़द दाल का दाल को भुगो के उस वक्त कल सुबह मॉर्निंग हमने भुगोया रात को पीस के, अभी अभी इसका हम बना के बैटर इसका तैयार हो गया। अभी ये ऐसे डाल लेंगे इसको, पतला पतला ऐसे ऐसे हला देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे ऐसे थोड़ा सा साइड से। अभी हम इसको ऐसे पलटेंगे, हमारा डोसा ये ब्राउन हो चुका है इधर से, अभी दूसरी साइड से थोड़ा सा एक मिनट पकाएंगे। रखा है इसको गैस को। और दोस्तों, मसाला डोसा इज़ रेडी। चटनी, आलू की सब्ज़ी और डोसा, आहा, मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। मैं तो खाने चला, आप भी खाइए और ज़रूर बनाइए। और ये हमारे व्यूअर मिसेस शिंदर कौर ने बताया था, ये मेरी बहुत ही अच्छी आंटी है, तो हमने उनकी रिक्वेस्ट में ये बनाया है। आप भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप हमें बताइए, हमारे यूट्यूब कमेंट पर कमेंट कीजिए और हम ज़रूर बनाएंगे उसे। धन्यवाद, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।